सूरत में मेट्रो रेल का काम जोरों पर चल रहा है। जगह जगह सूरत में आवागमन में सूरत वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत जल्द ही सूरत महानगर में मेट्रो से लोग सफ़र करने वाले हैं। आपको बता दें कि मेट्रो का जो ब्रिज बनाया जा रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है, वहीं पर एक ऐसी घटना सामने आई है कि सूरत के सरोली के पास बन रहे मेट्रो ब्रिज नीचे धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यह ब्रिज नीचे गिरता तो काफ़ी लोगों की जान चली जाती। फिलहाल ब्रिज के पास से गुजर रहे रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहीं पर इस पर महाप्रबंधक से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट। मैं GMRCL में जनरल मैनेजर सिविल की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पियर नंबर 747 और 748 के बीच में जो हमारा सेगमेंट है एक, वो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप ये जो हमने स्पैन आप देख रहे हैं सामने, ये अभी हमने आज सुबह 1:30 AM पे डाला था। और जब हमारा जनरली प्रोटोकॉल रहता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग सेगमेंट डालने के बाद में स्ट्रेसिंग के बाद कम से कम उसको 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि एक सेगमेंट के अंदर कुछ फेलियर ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो इसके अंदर कोई अभी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी तो हमने ब्रिज लॉन्च करा ही नहीं है। तो ब्रिज तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। तो एज़ फार एज़ सेफ्टी इज़ कंसर्न, ये अभी एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जब जहाँ पर हजारों थाउजेंड्स ऑफ सेगमेंट्स आर देयर, तो किसी सेगमेंट के अंदर कभी ऐसे माइनर इशू आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसको 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो फिर भी हमने पब्लिक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रोड डाइवर्जन वगैरह एक्शन ले लिया है, और हम इसको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी इसको डी स्ट्रेस करके इसका जो सेगमेंट है उसको चेंज करके करेंगे। अभी सेगमेंट क्यों परेशानी हो रही है या क्या इसका रीज़न है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, ये तो हम अभी इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो डैमेज नहीं है ब्रिज, तो अभी हमने लॉन्च भी नहीं करा है स्पैन, ये तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर ही है। तो ये सिचुएशन आती है नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के टाइम, इसीलिए ये एक प्रोटोकॉल है इसमें कि आपको लॉन्च करने से पहले उसको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो ये अभी ऑब्जर्वेशन में ही है, तो इसको अभी हम रिपेयर कर देंगे, इसमें कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। ये एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट है, कई बार ऐसा हो जाता है।